पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने वाले भाजपा पदाधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह वारदात को ही पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले पांच गांव क्षेत्र में घटित हुई है, जिससे स्थानीय सियासी परिप्रेक्ष्य में हड़कंप मच गया है। मृतक का नाम राजू डेंगरे बताया जा रहा है। दरअसल यह घटना शुक्रवार की आधी रात करीब 3 बजे के दौरान पांचगांव क्षेत्र से सामने आई है। पुलिस ने बताया कि मृतक शव यहां वीर गांव इलाके में मिला है। मृतक का नाम राजू डेंगरे बताया जा रहा है। दरअसल यह घटना शुक्रवार की आधी रात करीब 3 बजे के दौरान पांचगांव क्षेत्र से सामने आई है। पुलिस ने बताया कि मृतक का शव यहाँ वीर गांव इलाके में मिला है, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक राजू डेंगरे का एक ढाबा है, जहां पुलिस द्वारा शक जाहिर किया जा रहा है कि कर्मचारियों ने सुबह करीब 3 बजे उसकी हत्या की है। जिसके अनुसार जांच चल रही है। डेंगरे की हत्या करने के बाद आरोपी गले के पैसे भी लेकर कार लेकर फरार हो गए, लेकिन बाद में आरोपी की कार का एक्सीडेंट हो गया। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं बताया जा रहा है कि राजू डेंगरे नागपुर ग्रामीण के महामंत्री हैं। कुछ दिनों पहले राज्य में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में भी राजू डेंगरे ने जीत हासिल की थी। उनकी हत्या के पीछे की असली वजह क्या है? क्या उनकी हत्या चोरी के मकसद से की गई थी या कोई और वजह थी? पुलिस इसकी जांच कर रही है। उही पुलिस थाना अंतर्गत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष ठेमरे, BCN न्यूज़ नागपुर।